अगली खबर यह कि ईडी के समन पर आज भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में भेजा है नया समन। ईडी का समन पूरी तरह से गैर कानूनी है, केजरीवाल ने कहा है। केजरीवाल को शराब घोटाले में 9 समन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भेजे जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से केजरीवाल ने इस पर कहा है कि यह गैर कानूनी समन है। दिल्ली जल बोर्ड मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह नया समन भेजा है। ईडी का समन पूरी तरह से गैर कानूनी है, केजरीवाल ने कह दिया है। केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में 9 समन ईडी की तरफ से भेजे जा चुके हैं। और शराब घोटाले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची के कविता। ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। 23 मार्च तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड पर हैं के कविता। के कविता, आप जानते हैं, दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनकी हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने सबसे बड़ी अदालत में अवैध बताया है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी भ्रष्टाचार की तह तक पहुंचना चाहती। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी, जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक 9 समन शराब घोटाले के मामले में भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल अभी तक पेश नहीं हुए। और इसी केस में मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद। सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है। संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद है। दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत से इनकार के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। के कविता को 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं, लेकिन अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ गई। आज सत्येंद्र जैन को सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन की सारी याचिकाएं रद्द कर, सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सरेंडर का आदेश दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया, जिसके बाद 26 मई 2023 को उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी गई। करीब 8 महीने जेल में रहने के बाद आज कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया। जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, मैं आपके सामने इस मामले की रख रहा हूं। सत्येंद्र जैन से रेगुलर जमानत के लिए सत्येंद्र जैन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी सारी याचिकाएं रद्द कर दी।